हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो लेक्चर इज़ ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बीई फोर्थ सेम सीएसई स्टूडेंट्स बाय मिस नीलम शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सीएसई डिपार्टमेंट। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेकेंड लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर 4 का पढ़ा था, एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स। और इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि थ्रैशिंग क्या होती है। The phenomenon of moving pages from primary to secondary or secondary to primary, तो ये जो है, ये जो process है जिसको हम swapping कहते हैं, वो बहुत सारा energy consume कर लेता है और बहुत ही कम result देता है। इस situation को हम thrashing कहते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत की पर हमको output उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था accordingly, इसलिए इसको हम thrashing करते हैं। This very high page activity is called thrashing. A process is in thrashing if it is spending more time in paging instead of their execution. मतलब कि वो जो paging कर रहे हैं, मतलब जो page उनके पास नहीं है उसकी demand कर रहे हैं, page fault error create कर रहे हैं, page जब तक load हो रहा है तब तक रुके हुए हैं, तो एक process जो है वो thrashing में है अगर वो ज़्यादा time paging में लगा रहा है अपने execution से। थ्रैशिंग के कारण क्या है? जैसे एज वी नो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सीपीयू का यूटिलाइजेशन पूरा मॉनिटर करता है। इफ़ सीपीयू यूटिलाइजेशन इज़ टू लो, तो जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोसेस टू द सिस्टम, ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का हम यूज़ करते हैं। नाउ सपोज अ प्रोसेस नीड्स मोर फ्रेम्स and starts faulting and taking new pages away from the process. अगर कोई process है जिसको बहुत सारे pages या frames चाहिए और वो page fault start कर रहा है, दूसरे processes से page छीन रहा है और फिर वो particular process page fault कर रहा है, फिर वो process दूसरे processes से page छीन रहा है और page fault कर रहा है, तो जो faulting processes जो है using paging device to swap pages in and as they queue up for paging device, the ready queue एम्प्टीज। इस चक्कर में जो रेडी क्यू है वो पूरा खाली हो जाता है क्योंकि कोई प्रोसेस रेडी ही नहीं रहता एग्जीक्यूशन के लिए एज प्रोसेस वेट्स फॉर पेजिंग। तो इससे जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है। द सीपीयू शेड्यूलर सीज द डिक्रीजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग मल्टी प्रोग्रामिंग द रिजल्ट द न्यू प्रोसेस ट्राइज टू गेट स्टार्टेड बाय टेकिंग पेजेस फ्रॉम रनिंग प्रोसेसेस कॉजिंग पेजिंग डिवाइस causing more page faults and longer queue। ये जो हमने ऊपर देखा कि जो न्यू प्रोसेसेस जब आते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए तो वो क्या करते हैं कि रनिंग प्रोसेसेस के पेजेस को लेके वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पेज फॉल्ट क्रिएट करते हैं, इससे जो है क्यू जो है वेटिंग का वो बढ़ जाता है और एज अ रिजल्ट जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो और ख़राब हो जाता है। पर जो सीपीयू शेड्यूलर है वो हमेशा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाने की कोशिश करता है। और जब थ्रैशिंग हैज ऑकर्ड तो जो थ्रूपुट है वो भी ख़राब हो जाता है हमारे सिस्टम का। एज अ रिजल्ट द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इज इंक्रीज्ड, नो वर्क इज गेटिंग डन बिकॉज द प्रोसेसेस आर स्पेंडिंग ऑल देयर टाइम इन पेजिंग। तो अगर हमको पेजिंग का टाइम कम करना है, थ्रैशिंग के इफेक्ट को कम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? लोकल या प्रायोरिटी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। अगर एक प्रोसेस थ्रैशिंग स्टार्ट कर दिया है तो वो दूसरे प्रोसेसेस के फ्रेम्स को ना चुराए, ना स्टील करें एंड कॉज इट टू थ्रैश ऑल्सो। व्हेन मोर देन वन प्रोसेसेस आर इन थ्रैशिंग स्टेट देम दे विल बी इन क्यू फॉर पेजिंग डिवाइस, द एवरेज सर्विस टाइम फॉर अ पेज फॉल्ट विल इंक्रीज ड्यू टू लॉन्गर एवरेज क्यू ऑफ पेजिंग, दस इफेक्टिव एक्टिव time will increase even for a process that is in not thrashing। तो अगर कोई पेज, अगर कोई प्रोसेस थ्रैशिंग में है तो उसको दूसरे के फ्रेम्स को स्टील नहीं करना चाहिए जो कि रनिंग प्रोसेस है, और जो भी उसको पेज की रिक्वायरमेंट है उसको क्यू में खड़ा होके उस पर्टिकुलर पेज का वेट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पेजिंग का टाइम तो बढ़ जाएगा पर कम से कम जो पेजेस, जो प्रोसेस रेडी हैं एग्जीक्यूट करने के लिए वो रेडी हो पाएंगे, वो एग्जीक्यूट हो पाएंगे। इसके साथ, थ्रैशिंग के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम का ख़त्म होता है। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर्स में हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।